हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ट्यूबर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। शायद हम लोगों ने सैटरडे को एक क्लास लिया था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टैन थीटा। फिर पढ़े थे sec 90 माइनस थीटा इक्वल cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल sec थीटा। ओवरऑल कहने का हमारा सेंस यह है कि साइन का कम्प्लीमेंट्री एंगल में होता है अपोजिट cos थीटा और cos का कम्प्लीमेंट्री cos का अपोजिट होता है sin थीटा। फिर इसी तरीके से tan का कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है cot थीटा होता है और cot का कम्प्लीमेंट्री एंगल tan थीटा होता है, sec का कम्प्लीमेंट्री एंगल cosec होता है और cosec का कम्प्लीमेंट्री एंगल sec थीटा होता है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन का, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है देखेंगे। हमने लास्ट कहा था कि जब दो एंगल का सम कंप्लीमेंट्री हो जाता हो, जब दो एंगल का सम कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाता हो तो उसमें कोई एक वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं। जब व्हाट हमारे यहाँ 18 प्लस 72 90 होता है तो इसमें हम साइन को चेंज कर दे, इधर कॉस को चेंज कर दे, इसमें कोई वैल्यू को इजिली हम चेंज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे साइन को चेंज कर रहे हैं, तो जब हम साइन को यहाँ पर चेंज करेंगे तो कुछ हमारा ऐसा आएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा 18 आ जाए? सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो प्रोसी को देख लेंगे। प्रोसी क्या है 72, सिंपल। तो यहाँ हम 72 ले लेंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 साइन 18 आ जाएगा। तो अब बाई वाले जो टर्म है उसको जीरो करते हैं, कॉस 72। अब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा थीटा है, इट्स अ थीटा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पे 72 डिग्री, थीटा यहाँ पे क्या बड़ा 72 डिग्री है, तो कॉस 72 बाय कॉस 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमेशा एक बात याद रखेंगे, दो एंगल का सम 90 अगर हो जाता हो तो उसमें कोई भी एक वैल्यू को चेंज कर देंगे, कोई एक वैल्यू को चेंज कर दें। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन वन का वन आंसर आता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर वन का टू जो है बिल्कुल सेम ऐसा ही है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, वन का थर्ड है। तो क्वेश्चन वन का थर्ड जो हमारा है कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। फिर वही पुरानी बात, हम लोग देखेंगे क्या दो एंगल सम 90 हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब देखिए यहाँ पे 48 और 42 कितना हो रहा है, तो 90 हो रहा है। जब 48 और 42 90 हो जाएगा तो फिर वही कहते हैं ना, कोई भी एक चेंज कर देंगे, या इधर हम यहाँ पे कॉस चेंज कर दें या साइन चेंज कर दें। चलिए हम लोग कॉस को ही चेंज करते हैं पहला वाला टर्म। तो इस कॉस 48 को चेंज करने के लिए क्या हम इसको ऐसा भी सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस कितना, कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 42। बस प्रोसी को देख लीजिए, प्रोसी हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोसी हमारा 42 है, तो कॉस 90 माइनस 42 और ये कोई एक को चेंज कर रहा है। फिर हम लोगों ने बच्चों ने पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन थीटा हमारा यहाँ पे क्या है 42, तो साइन 42 माइनस साइन 42 और साइन 42 में से साइन 42 घट जाएगा तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा जीरो। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है और आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी जो है वन का फोर्थ सिमिलरली ऐसा ही है बिल्कुल तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू का वन। क्वेश्चन नंबर टू का वन जो हमारा कह रहा है हमेशा बात याद रखेंगे सिंपल इस बात को कि जब भी दो एंगल का सम 90 हो रहा है उसमें किसी एक को हम चेंज कर रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है। ये कंप्लीमेंट्री में नहीं, कंप्लीमेंट्री की जब बात हो तो साइन का अपोजिट कॉस होगा, लेकिन कंप्लीमेंट्री की बात नहीं हो अगर दूसरी की बात हो तो साइन का अपोजिट कॉसिक होता है और कॉस का अपोजिट सेक होता है और टैन का अपोजिट
कॉट थीटा होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री की जब हम बात करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, सेक का कॉसेक होगा और कॉसेक का सेक होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्वेश्चन नंबर टू हमारा यह है, टू का वन हमारा है टेन फोर्टी एट इंटू टेन ट्वेंटी थ्री इंटू टेन फोर्टी टू इंटू टेन सिक्सटी थ्री सिक्सटी सेवन इक्वल वन। हमें यहां पे वन प्रूव करना है, इतना इक्वल वन प्रूव करना है। फिर वही बात हम यहां पर देखेंगे क्या कि दो एंगल का सम 90 कौन सा हो रहा है। जरा देखेंगे यहां पर 48 है और यहां 23 है, क्या 48 23 90 होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो 48 जो होगा टर्न 90 किसके साथ बनाएगा? आप देख सकते हो 42 के साथ। जब भी दो एंगल मिलाकर 90 हो उसमें कोई एक को चेंज करना है, लेकिन सबसे पहले हमको यह तो पता करना होगा कि दो एंगल मिलाकर कौन कौन 90 हो रहा है। तो यहां पर हमारा ये 48 और ये 42, ये दो मिलाकर हमारा 90 हो रहा है। तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, tan 48 into tan 42 degree। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 23, ये 23 किसके साथ जाएगा? 67 के साथ। क्यों? क्योंकि 23 और 67 कितना होता है? 90 होता है। तो जब भी दो 90 को मिलाकर 90 हो जाए उसको हम एक साथ ले लेंगे। तो देखते हैं हम यहां पे tan 23 into tan 67। अब जरा समझ सकते हैं हम लोग कि यहां पर 48 और 42 90 हो रहा है, इसमें किसी को एक को चेंज कर देना। तो हम चेंज करते हैं, टेन को शुरू वाला करते हैं, तो 90 माइनस कितना आपकी 48 आएगा, 42। उसी देखेंगे, आइए जो करते हो किसने एक को चेंज किए हैं, फिर इंटू टेन 23 को फिर चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 67 इंटू टेन 67। अब हम यहां पर देख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, cot 42 इंटू tan 42 tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा है हमारा, देख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इंटू ये tan थीटा, फिर इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो हम लिख सकते हैं क्या, cot 67 फिर इंटू tan 67। अब यहां पर हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था cot का अपोजिट tan होता है। यहां पर देख सकते हैं 42 90 नहीं होता है, इसलिए यहां पे cot का अपोजिट tan हम नहीं लेंगे, ठीक है। हम अब वो बात चलेंगे, बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि tan का अपोजिट क्या होता है, cot। तो देख सकते हैं cot इंटू tan जो होता है हमारा वन होता है, क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, वन। फिर सिमिलरली ऐसा हम देख सकते हैं cot 67 इंटू tan 67 कितना होता है, वन, और वन इंटू वन जो कि हमको लाना था। अगर मन में ख्याल होगा सर cot 42 और tan 67 को लेते तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पर तो एंगल सेम होना चाहिए। cot 42 है तो tan 42 ही होना चाहिए, cot 67 है तो tan 67 है, तभी उसका प्रोडक्ट जो होगा वन होगा या जीरो होगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट कंप्लीट होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू का टू जो है बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसमें हमको प्रूव करना है जीरो डिग्री, सेम ऐसा ही करेंगे आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार शायद क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन थर्ड में जो कह रहा है कन्वर्ट करना, चेंज पहले करना, तो सिंपल हमेशा याद रखिएगा साइन को कॉस लिखना है तो साइन 90 माइनस लिखेंगे, कॉस को अगर साइन लिखना है तो साइन 90 माइनस, अगर साइन को कॉस लिखना है तो कॉस 90 माइनस लिखेंगे। उसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, थर्ड हमारा कह रहा है टैन टू ए, टैन टू ए इक्वल कॉट ए माइनस 80 डिग्री। बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन, tan 2a इक्वल cot a माइनस 30 डिग्री है ना, तो हमको फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फाइंड करना। जस्ट सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, tan 2a इक्वल दे रहा है cot a माइनस 80, हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, एंगल a, सिर्फ a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a हमारा यहां है और a यहां है,
तो ए का फाइंड करने के लिए आपको टैन और कॉट को तो हटाना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। टैन और कॉट हटेगा तभी तुम्हारा ए के टर्म में आएगा और तब तुम ए फाइंड कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि टैन को हटाने के लिए हमको कॉट लाना पड़ेगा। तो टैन को कॉट लाने के लिए हम लोगों ने बच्चों ने पढ़ा था क्या, इतना को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2 है। टैन को कॉट लाना है तो इस टैन को कॉट लाने के लिए बच्चों ने बना पढ़ा था कॉट 90 माइनस 2 है, तभी टैन भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा इक्वल कॉट ए माइनस 30 डिग्री। अब मन में अगर ख्याल आ रहा हो कि कॉट से कॉट को कैंसिल कर दे तो बिल्कुल गलत है, हम लोगों ने पढ़ा था बहुत पहले। तो यहाँ पे कॉट थीटा हो गया इक्वल पूरा, यहाँ भी कॉट थीटा हो गया। तो कॉट में कॉट बराबर होता है किसका, एंगल का, एंगल का मान एक वैल्यू इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2 ए इक्वल ए माइनस 18, 90 डिग्री माइनस 2 ए इक्वल 18। अब ए माइनस 18, अब हमको ए का वैल्यू फाइंड करना है, ए वाले टर्म को वन साइड करेंगे तो हमारा कुछ प्रकार आएगा माइनस 2 ए माइनस ए इक्वल माइनस 18 माइनस 90, तो आएगा हमारा क्या माइनस 3 ए इक्वल माइनस 108 माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर ए इक्वल व्हाट 36, और यही हमारा आंसर होता है। इसमें सिर्फ इतना बात को जरूर याद रखेंगे कि हमारा जब दे रहा है टैन 2 इक्वल कॉट ए माइनस 8, हमको ए का वैल्यू फाइंड करना है तो यहां पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होगा उसको हमको कैंसिल करना है, मतलब उसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कब होगा, जब आपस में इक्वल होगा, तो इक्वल आने के लिए क्या करना होगा, टैन 2 को कॉट 90 माइनस 2 लिखना होगा। आई आप इसको भी चेंज कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज करना कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, इसलिए बिल्कुल क्यों ना इसको चेंज कर दे इसलिए रूप में। तो हम कॉट टैन 2 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2 कॉट स्पॉट, समझ रहे हैं वैल्यू इक्वल हुआ। इस तरीके से हमने ए का वैल्यू फाइंड किया और हमारा आंसर आता है 36, हमारा आंसर क्या आता है ए का वैल्यू 36। ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ और आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री, तो सिंपल बात है इधर sec है उधर cosec है तो किसको चेंज करना अच्छा रहेगा, sec को चेंज कर सकते हैं ना क्योंकि sec 4a है, तो sec 4a को क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, फिर cosec का sec वो बराबर एंगल बराबर a का वैल्यू बना आ जाएगा, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ये 5 था, 4 की तरफ 3 की तरफ 5 है, हम क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर जो कह रहा है बहुत ही आसान है और अच्छे से समझ में भी आएगा। टेन ए इक्वल कॉट बी है, टेन ए इक्वल कॉट बी है, देन वी हैव टू प्रूव ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, देन प्रूव दैट कह रहा ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, टेन ए इक्वल कॉट बी दे रहा है और हमें प्रूव करना है हाउ टू प्रूव ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। जस्ट सोचेंगे हमें सिर्फ रिलेशन किसके लाना है, ए और बी में लाना, रिलेशन ए और बी में लाना है ना, तो ए और बी में रिलेशन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टेन और कॉट को फिनिश करना होगा, फिनिश करना होगा ना, क्योंकि हमको ए और बी में जिसमें रिलेशन चाहिए उसको जो है देखते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन हमारा ए और बी है, कॉट टेन है नहीं है, तो क्यों ना हम इस कॉट टेन को फिनिश कर दें। तो फिनिश करने के लिए क्या करना होगा, चलो कॉट को मान लिया, इस टैन ए को हम क्या लिख सकते हैं, इस टैन ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए। अगर आप इसको भी चेंज कर सकते थे लेकिन कोई एक, अगर हम कॉट बी को चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते थे टैन 90 माइनस बी, लेकिन हमको यहां पर टैन ए को चेंज करना है तो टैन ए को चेंज करने के लिए कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस है ठीक है इक्वल कॉट बी। अब भी यहां पर जरा देखेंगे कॉट थीटा इक्वल कॉट थीटा ना, यहां पे कॉट थीटा इक्वल कॉट थीटा, तो एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ही बराबर होता है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं 90 माइनस ए इक्वल बी, तो 90 इक्वल क्या होगा साइड चेंज, साइड चेंज तो ए प्लस बी इक्वल 90, और शायद हमें यही प्रूव करना, उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सकते हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमें लाना क्या है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो देखेंगे, बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
हमें सिर्फ बात याद की कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का ऑपोजिट कॉस होता है, कॉस का ऑपोजिट साइन होता है, सेक का ऑपोजिट कॉसिक होता है, टैन का ऑपोजिट कॉट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, जिसमें मैं दूसरी लाइन लगा लेता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। ए बी सी, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एबीसी क्या है? किसी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है। बचपन से पढ़ते हैं ना, ट्राइंगल की बात हो रही है और इंटीरियर एंगल, तो तीनों एंगल मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि AB, A, B and C are intended angles of triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 equal cos A by 2। हमें शो क्या करना है? लिख देता हूं यहां पे, sin B plus C by 2 equal cos A by 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप यहां जो 2 देख रहे हो, ये एंगल का डिवाइडर, ना कि पूरा का डिवाइडर, इस एंगल A का डिवाइडर। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो जब सोचेंगे ए बी सी जब इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है, तो तीनों मिलाकर कितना होगा? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। अब क्वेश्चन की ओर जाने, हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है ये क्या है, अक्सर हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं ना, बिल्कुल ब्रैकेट वाला काम करता है। तो ब्रैकेट में आप जरा देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, बी प्लस सी है, यहाँ क्या है, बी प्लस सी है। तो क्यों ना हम बी प्लस सी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब बी प्लस सी को जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ हमारा इस प्रकार होगा, 180 डिग्री माइनस ए, बी प्लस सी को क्या होगा, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। अगर यहीं पर आता ए प्लस सी, तो यहाँ ए प्लस सी निकालते हैं, यहीं पर आता ए प्लस बी, तो हम यहाँ पर ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी आता तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इक्वल 180 माइनस सी, लेकिन यहां पर हमारा बी प्लस सी है, इसलिए बी प्लस सी निकाल रहे हैं, और बी प्लस सी को क्या लिखेंगे, 180 माइनस ए। अब जरा देखेंगे बाई में क्या है, 2 है, इसका मतलब क्या, 2 से डिवाइड किया जा रहा ना, तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड वी गेट। जब हम दोनों साइड 2 से डिवाइड, क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 180 बाई 2 90 माइनस ए बाई 2, क्लियर, बी प्लस सी बाई 2 इक्वल 180 बाई 2 90 माइनस ए बाई 2। अब देखेंगे एलएचएस हमारा क्या है, साइन है, साइन है ना, तो साइन से मल्टीप्लाई, यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई कितना लग रहा है सर, तो हम साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑन मल्टीप्लाई बाय साइन बोथ साइड वी गेट। हम क्या कर रहे हैं, साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं साइन है, जब हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल साइन, क्या लिखेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करें, इधर ही मल्टीप्लाई करें, क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए बाई 2। और बच में पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हमारा थीटा यहाँ पे क्या है, ए बाई 2। इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा ए कॉस ए बाई 2, और एलएचएस क्या था, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉस ए बाई 2, और यहाँ पे हमारा आंसर होता है, देख सकते हैं। फिर से मैं एक बात को रिकॉल करा दूं, हमारा यहाँ पर जो रहेगा टर्म ए प्लस बी रहेगा, तो ए प्लस बी फाइन करेंगे, 180 माइनस सी हो जाएगा, 180 माइनस सी हो जाएगा, फिर उसके बाद पीछे क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, और जो भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होगा, मान लेते हैं कॉस होगा तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर टेन होगा तो टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फाइनली अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, प्लीज आप पूरे वीडियो को जरूर देखा करें, पूरे वीडियो को वीडियोस को देखेंगे तो लगेगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, वरना फिर उसका फायदा कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश करेंगे वक्त निकाल कर, थोड़ा सा ही वक्त निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और तब कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और बनाएंगे, फिर खुद से बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना ही, थैंक यू।